अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। वसीम खान का मुस्ताफी होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। मुस्ताफी होने के बाद पहला बयान जारी करते हुए वसीम खान का कहना था कि मेरा मकसद 22 करोड़ क्रिकेट की दीवानी कौम के लिए खेल की बेहतरी में अपना हिस्सा डालना था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मेरा सफ़र ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी क्राइसिस से निमटने के लिए रातों को जाग कर काम किया। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ डेंगी बुखार से सेहतयाब होने लगे। ज़राए के मुताबिक कौमी ऑलराउंडर डेंगी बुखार से सेहतयाब होने लगे हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज़ के लाहौर में नेशनल T20 का दूसरा राउंड खेलने के लिए पुरउम्मीद है। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद हफीज़ के लाहौर आने के बाद फिटनेस की बुनियाद पर दस्तयाबी का जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल T20 कप के रावलपिंडी में मुकाबले जारी। सिंध ने बारिश से मुतासरा मैच में नॉर्दर्न को 3 रन से शिकस्त दे दी। सिंध ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। शर्जील खान 64 रन बनाकर नुमाया रहे। 177 रन के जवाब में नॉर्दर्न ने 7.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 62 रन बना लिए थे, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश के ना रुकने की वजह से सिंध ने DLS मेथड के तहत नॉर्दर्न को 3 रन से शिकस्त दे दी।